सो गाइस, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज कौन से डिवाइस को न्यू अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं MIUI 12.5 के और इनहेंस वर्जन अपडेट के। इसके साथ साथ गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आज इंडिया में कौन से डिवाइस को अपडेट मिले, इसके साथ साथ एंड्रॉइड 12 अपडेट की एक लिस्ट आ चुकी है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कौन से डिवाइस में इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। साथ साथ गाइस, यहाँ पर कुछ सिस्टम अपडेट्स देखने के लिए मिले और कुछ न्यूज है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। इसलिए गाइस, अगर वीडियो भी पसंद आए तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करूं तो अपडेट्स की, तो MI 11 अल्ट्रा के लिए ग्लोबल में एक न्यू अपडेट देखने मिला है। MIUI 12.5.6.0 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है। जिनके पास ग्लोबल इवेंट है आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, नहीं मिला है तो इसकी लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। साथ साथ Redmi 9T के लिए ग्लोबल में एक न्यू अपडेट देखने मिला है। MIUI 12.0.17.0 का एक न्यू अपडेट है। यहां पर अभी भी Android 10 का ही अपडेट देखने के लिए मिलता है, Android 11 अपडेट नहीं मिला। एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है जिसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, तो इसकी भी लिंक्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके पास Redmi 9T का ग्लोबल इवेंट है तो आप लोग जाकर अपडेट कर सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल से 1 वीक का वेट करो, OTA के थ्रू अपडेट सभी यूजर को भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, यहां पर पोको F3 के लिए ग्लोबल में एक न्यू अपडेट देखने मिला जिसका बिल्ड नंबर है MIUI 12.5.4.0 का बिल्ड नंबर है। एंड्रॉइड 11 अपडेट है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है, लेकिन यहां पर इस बार आपको MIUI 12.5 इनहेंस वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिलता है। MIUI 12.5 इनहेंस वर्जन का अपडेट पहले ही मिल चुका था, लेकिन यहां पर लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ ही अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। तो जिनके पास पोको F3 का ग्लोबल वेरिएंट है आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, नहीं मिला तो 2 दिन वेट करो, फिर से आप लोग के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा OTA के थ्रू। यहां पर अगर मैं बात करूं Redmi Note 9S की, तो Redmi Note 9S के लिए भी फाइनली पब्लिकली MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जी हां गाइस, यहां पर बिल्ड नंबर आप लोग देख सकते हो, MIUI 12.5.1.0 का बिल्ड नंबर है, Android 11 अपडेट के साथ देखने मिलता है। काफी लेट अपडेट मिला, लेकिन फाइनली पब्लिकली भी ये अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है Redmi Note 9S में। यही डिवाइस इंडिया में Redmi Note 9 Pro के नाम से देखने के लिए मिलता है, तो इंडिया में तो ऑलरेडी मिल चुका था, इंडिया में अब MIUI 12.5 का इनहेंस वर्जन का अपडेट जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा 1 मंथ का और ज्यादा से ज्यादा वेट करना पड़ेगा, उसके अंदर ही अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए Redmi Note 9S के लिए जो अपडेट मिला है इसकी लिंक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी, आप लोग वहां से मैनुअली जाके अपडेट कर सकते हो अगर अपडेट नहीं मिला, बट आप लोग 3 या 4 दिन का वेट करो, OTA के थ्रू सभी पब्लिक यूजर को अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाए। इसके साथ साथ गाइस, यहां पर टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक और न्यूज वगैरह पाने के लिए जैसे अपडेट आता है उसकी लिंक्स भी आपको हमेशा वहां पर मिल जाएगी, ताकि जैसे अपडेट आप लोगों ने अगर मिस कर दिया तो आप लोग वहां से अपडेट कर सकते हो, इसलिए जरूर ज्वाइन करके रख लेना। इसके साथ साथ गाइस, यहां पर कुछ सिस्टम अपडेट्स देखने के लिए मिले, Xiaomi Wear का एक न्यू अपडेट देखने मिला, ऑप्टिमाइज डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइज मेन पेज UI, फिक्स नाउन इशू एंड इंप्रूव ऐप स्टेबिलिटी, ये अपडेट में चेंज लॉग देखने के लिए मिला है। साथ साथ गाइस, यहाँ पर सुपर वॉलपेपर अल्फा इंस्टॉलर का एक और न्यू अपडेट देखने को मिला है। सुपर वॉलपेपर जो यूज़ करते हो तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, इसकी APK मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। साथ साथ गाइस, यहाँ पर अपडेटर एप्लीकेशन का भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है, चेंज लॉग यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इसके साथ साथ गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड 12 अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर जिन डिवाइस में एंड्रॉइड 11 अपडेट मिल चुका है तो उनके लिए तो बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइस है जिनको इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब वो जानने के लिए मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एंड्रॉइड 12 अपडेट को लेके मैंने ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियो बना दिए, कौन से डिवाइस को अपडेट मिलने वाला, कौन से डिवाइस को नहीं मिलने वाले, कौन से डिवाइस के लिए इंटरनेट टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, कब तक सभी यूजर को मिल सकता है, सब कुछ आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो एक बार आई बटन में वीडियो जाकर चेक कर लेना, आज ही मैंने वो वीडियो बनाई है, आई बटन में जरूर चेक कर लेना, वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि एंड्रॉइड 12 का अपडेट कौन से डिवाइस में मिलना स्टार्ट हो चुका है। गाइस, यहां पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए, तो टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन किया तो उनको पता होगा, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, ज्वाइन जरूर करके रख लेना। इसके साथ साथ गाइस, यहां पर एक न्यूज़ है Redmi Note 8 Pro के लिए, क्योंकि यहां पर Redmi Note 8 Pro में एक इशू देखने के लिए मिला, कौन सा इशू वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो Redmi Note 8 Pro का डिवाइस है, अभी हाल ही में MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिला था ग्लोबल साइड में, और इंडिया में भी ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पर MIUI 12.5.0 का एक लेटेस्ट बिल्ड नंबर पहले जो रोल आउट हुआ था, अब उसके बाद एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला था कुछ चीज़ों को, MIUI 12.5.3.0 का बिल्ड नंबर था, लेकिन अब यहाँ पर जो लेटेस्ट बिल्ड नंबर है इसमें सभी यूजर इसको अपडेट नहीं कर पा रहे जिनके पास Redmi Note 8 Pro का डिवाइस है। जी हाँ, वो यहाँ पर अपडेट नहीं कर
पा रहे, मतलब ये एक मेजर इशू देखने के लिए मिला है इस अपडेट में, यानी कि MIUI 12.5.0 वाले जो अपडेट में उसमें ये इशू देखने के लिए मिला है कि आप लोग वर्जन का बिल्ड नंबर का अपडेट आप लोग अपडेट नहीं कर पा रहे, इस टाइप के इश्यूज देखने के लिए मिल रहे। इसके अलावा और भी काफी सारे डिवाइस जिनको आफ्टर MIUI 12.5 के अपडेट या फिर MIUI 12.5 इनहेंस वर्जन के अपडेट में काफी सारे बग्स देखने के लिए मिले, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ, कौन से डिवाइस में कौन सा न्यू बग देखने के लिए मिला है, कैसे फिक्स कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत ही जल्द वो वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन Redmi Note 8 Pro की बात करूँ तो यहाँ पर काफी सारे इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर MIUI 12.5 अपडेट के बाद। साथ साथ Redmi Note 8 Pro में और भी इशू की बात करूँ तो यहाँ पर लैग इशू देखने को मिला है, स्लो चार्जिंग का इशू देखने के लिए मिला है, वाईफाई इशू देखने के लिए मिला है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली मतलब वॉल्यूम भी कम हो चुका है अपडेट के बाद। तो यहाँ पर काफी सारे इश्यूज है Redmi Note 8 Pro में। अब इसके लिए तो आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत ही जल्द एक न्यू बिल्ड नंबर का न्यू अपडेट रोल आउट किया जाएगा जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, जैसे ही वो अपडेट आएगा मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ जिन डिवाइस में अभी तक MIUI 12.5 का अपडेट नहीं मिला, जैसे Redmi Note 9 Pro Max का डिवाइस है, उनमें अभी तक MIUI 12.5 का अपडेट सभी यूजर को नहीं मिला, कब तक मिलेगा? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ अपडेट में काफी ज्यादा डिले हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को एक फिर से एक न्यू बिल्ड नंबर के साथ अपडेट देखने के लिए मिल जाए, शायद यहाँ पर अभी भी टेस्टिंग चल रही है, तो जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद है इसको लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अपडेट आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप लोग अपना अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, तुरंत अपडेट कर पाओगे, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख देना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में।